कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका नववर्ष 2019 मंगलमय तथा शुभ फलदायक सिद्ध हो। नया वर्ष आ चुका है, आप सभी सोच रहे होंगे कि देखते हैं यह वर्ष मेरे लिए कैसा होता है, इस वर्ष मैं यह कार्य करूंगा या मेरा यह कार्य हो जाता तो अच्छा होता इत्यादि। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि नववर्ष 2019 किस कार्य के लिए अच्छा रहेगा या किस लिए अच्छा नहीं रहेगा, या यह कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम हमारे वैदिक ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपके अंतर्मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं। अन्य विशेष जानकारी या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव न केवल जन्म के समय किंतु संपूर्ण जीवन काल तक रहता है। प्रतिदिन ग्रहों की स्थिति हमारे आज के भविष्य को प्रभावित करती है। जानकारी प्रदान करने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया कमेंट बॉक्स में आपके राशि के स्वामी का कल्याणकारी मंत्र लिख दें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा तथा आपका प्रथम जाप भी इस कमेंट के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा। यह चमत्कारी मंत्र आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को हर लेता है। स्वास्थ्य। वर्ष 2019 में आपके स्वास्थ्य में अस्थिरता बनी रहेगी, अतः स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की असावधानी ना रखें। यदि श्वास या फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी हो तो समय पर इलाज करवा लें। इस वर्ष आपको सिरदर्द, रक्तचाप तथा हृदय संबंधी विकार व्याकुल कर सकते हैं, किंतु नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम तथा ध्यान की सहायता से आपकी रक्षा हो सकती है। कार्य के साथ साथ खान पीन पर पूरा ध्यान दें तथा उचित समय पर विश्राम भी करते रहें। ग्रहों की अस्थिरता के कारण जनवरी से मार्च की अवधि में आपको अधिक क्रोध आ सकता है। इस वर्ष आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना, दौड़ना तथा परिश्रम करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। फल तथा हरी सब्जी अधिक से अधिक खाएं। मसालेदार खाना खाने से दूरी बनाए रखें। घर या घर से बाहर किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। वाहन आदि भी सावधानी से चलाएं। हाथ में चोट या मोच का डर रहेगा। आर्थिक स्थिति। धन संपत्ति के प्रति यह वर्ष 2019 आपके लिए मिले जुले परिणाम प्रदान करने वाला है। किसी विशेष कार्य अथवा व्यवसाय वृद्धि के लिए निवेश आंख मूंद कर ना करें। आर्थिक कंगाली के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, अतः अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, तभी आप धन बचाने में सफल हो पाएंगे। अक्टूबर से आर्थिक स्थिति के प्रति तेजी से सुधार होगा। यदि आप वास्तु उपाय से आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन अवश्य होगा। यदि आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं तो आपकी यह इच्छा की पूर्ति इसी वर्ष हो जाएगी तथा आप अपने पुराने मकान की साज सज्जा में धन खर्च कर सकते हैं। शेयर बाजार में धन निवेश ना करने की परामर्श दी जाती है, किंतु यदि आप अच्छे से सोच विचार करने के पश्चात निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा, किंतु ऐसा निरंतर ना होकर कभी कभी ही होगा। व्यवसाय। व्यवसाय की दृष्टि से 2019 का वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लग्नेश शनि आपके लाभ भाव में होने के साथ लाभेश तथा धनेश होकर गुरु आपके भाग्य भाव में है, अतः इस वर्ष आपको अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके व्यापार की अपार वृद्धि होगी। गुरु की लग्न व तीसरे भाव में दृष्टि के कारण आपका आत्मबल पहले से अधिक रहेगा। आपके भीतर एक उत्तम उत्साह देखने को प्राप्त होगा तथा वह उत्साह
आपको आपके व्यापार में सफल बनाएगा। सितंबर माह के पश्चात धन भाव में स्वामी गुरु भी कर्म स्थान में आ जाएंगे, अतः धन लाभ का योग बन रहा है। आप अपने व्यापार के माध्यम से असीमित धन कमाएंगे। स्वाभाविक है कि लाभ तभी प्राप्त होता है जब व्यापार अच्छा चल रहा हो। शनि लाभ भाव में है, यह स्थिति व्यापार में लाभ प्रदान करने वाला है। यदि आपका व्यवसाय कला, वेशभूषा, वास्तुकार तथा निर्यात से जुड़ा है तो अपार लाभ होगा। वहीं जो जातक विदेशी सेवा से जुड़े हैं तो उनकी भी कमाई अच्छी होने वाली है। यदि साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, व्यर्थ विवाद से बचें, धैर्य से कार्य लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूर्ण जांच कर लें। नौकरी पेशा वाले जातकों को तरक्की प्राप्त हो सकती है तथा प्रयास करने पर अच्छी जगह स्थानांतरण भी संभवित है। पारिवारिक जीवन। वर्ष 2019 के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आने वाली है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं रहेगी। गुरु के प्रभाव से सभी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अतः व्याकुल होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यह वर्ष पारिवारिक संबंधों के लिए अत्यंत शुभ रह सकता है। जीवन में सौभाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, अतः वैवाहिक विषयों में यह आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र विवाह की है तो यह वर्ष आपको संपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। सगाई व वैवाहिक संबंध के लिए भी वर्ष अनुकूल रहेगा, किंतु ध्यान दें कि यह शुभ कार्य अक्टूबर के महीने से पहले ही होने आवश्यक हैं। इस वर्ष क्रोध तथा अविश्वास के कारण आपके पारिवारिक जीवन में अनबन हो सकती है, अतः गुस्सा तथा अविश्वास को रिश्तों के बीच में ना आने दें। रिश्तों को सभी की दृष्टि से समझने की कोशिश करें, तभी कोई निर्णय लें। धैर्य बनाए रखें, क्रोध अथवा उत्तेजना में कोई बड़ा निर्णय ना लें तो सब अनुकूल रहेगा। आप अपने अंतर मन की बात माता के साथ कर सकते हैं, किंतु पिता के साथ विचारों की लड़ाई हो सकती है, अतः सावधान रहें तथा वाद विवाद से यथासंभव बचें। संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रहेगी। रोजगार। भविष्य कथन 2019 के अनुसार इस वर्ष आपका पैसा एक नई ऊंचाई को छुएगा। ऐसे समय का लाभ उठाएं तथा मौके को हाथ से न जाने दें। पदोन्नति के रूप में आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। आय में भी वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा सहकर्मियों की प्रशंसा प्राप्त होगी तथा वे कार्य में आपकी सहायता भी करेंगे, अतः आप भी सभी लोगों का पूर्ण सहयोग करें। अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जन्म दें, आपको दोगुना लाभ प्राप्त होगा। अत्यंत ही कम समय में हुई आपकी प्रगति से आपके सहकर्मी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपकी सफलता से आपके साथ कार्य करने वाले लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं, किंतु आपका ध्यान केवल आपके कार्य पर होना चाहिए। अपनी वाणी पर ध्यान रखें, क्योंकि विवाद होने की भारी संभावना है। इस विवाद के कारण कार्यस्थल का वातावरण भी खराब हो सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होने वाला है, किंतु यदि आप छोटे रास्ते का चयन करते हैं तो असफलता हाथ लगेगी। आप अच्छी सी नौकरी के लिए पढ़ाई करें। वर्ष के अंत तक नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, अतः यह वर्ष आलस्य व कोताही का नहीं है। अपना पूरा प्रयास दीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। शिक्षा। भविष्य फल 2019 के अनुसार शिक्षा की बात करें तो यह चुनौतियों से भरा हुआ है। वर्ष के प्रारंभ में आपका ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। बेहतर परिणाम के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की दरकार होगी। साथ ही एकाग्रता की कमी का असर आपके प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। ऐसे में आप हतोत्साहित भी हो सकते हैं, किंतु आपको इससे बचना होगा तथा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। ऐसे समय में आपको शांत चित्त से कार्य लेना होगा तथा सर्वशक्तिमान भगवान पर भरोसा रखना है। पढ़ाई में ध्यान तथा एकाग्रता बढ़ाने में गायत्री मंत्र के जप से आपको सहायता प्राप्त होगी। गुरु ग्रह सितंबर के महीने तक आपके लाभ भाव में है,
जो मन तथा मस्तिष्क को प्रखर बनाने का कार्य करेगा। फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार होने के योग बन रहे हैं। वकालत, तकनीकी तथा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए वर्ष विशेष अनुकूल रहेगा। यदि विदेश में जाकर शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं तो परिणाम और भी अच्छे रहने वाले हैं। याद रहे, नियमित अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। अतः कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे बार बार समझने की कोशिश करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जुलाई 2019 के पश्चात ही अप्लाई करें। सफल होने की पूर्ण संभावना है। अतः कुल मिलाकर यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए औसत रहने वाला है। उपाय: जल्दबाजी में किसी के कहने पर निवेश न करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का नित्य पाठ करने से सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। धार्मिक स्थल की नियमित रूप से सफाई करवाएं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर के दर्शन करें। नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल देना शुभ रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।